नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। आज का विशेष कवरेज बिहार के दरभंगा जिला के मछोलिया पंचायत के शिवय सिंहपुर गांव के पासवान टोला से, जहां पर हो रहा है राजा सलेश का पूजा। बात कर रहे हैं यहां पर राजा सलेश के पूजा के बारे में। गांव में इस वक्त दरभंगा के सभी गाँव में देखा जा रहा है कि सलेश पूजा के समय इनके भगत या भक्ता जो होते हैं अर्धनग्न यहाँ पर बदन पर लाल रंग की यहाँ पर जो वस्त्र होता है या फिर पीले कलर का जो वस्त्र होता है या फिर जंग गर्दन में माला, एक हाथ में अक्षत और दूसरे हाथ में बेत रखते हुए भाव भिवोर देखे जाते हैं। आपको बता दें, झाल मृदंग पर भाव गीत गाते हुए लोग सलेश के अध्यात्म में पर लोकिता का अनुभव करते हैं। गहर के सामने मिट्टी का ई टाइप का पिंड बनाया जाता है, इसके बगल में बेदी बनाई जाती है। वहाँ अंधूल कनेल अरहुल कनेल के फूल सरर अगरबत्ती चीनी का लड्डू खीर पान सुपारी गांजा खैनी पीनी जनेऊ अरवा चावल झाँप फल प्रसाद सभी सामग्री के साथ पूजा शुरू की जाती है। यहाँ देख सकते हैं भगत का सेवा किया जा रहा है शिष्य के द्वारा। गर्मी काफी है यहाँ पर, सभी ग्रामीण साफ सुथरे वस्त्र में निष्ठा के साथ यहाँ पर टाली लगाते हैं। सामने देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शिवय सिंहपुर के ही लोग नहीं, यहाँ दूर दूर से लोग इस गांव में आए हुए हैं पूजा करने के लिए। आज के दिन ही बता दें यहाँ पर ये देख सकते हैं भक्ता के ऊपर बारी बारी से सलेश एवं उनके पार्षदों के भाव आते हैं। गुहारी होता है, प्रसाद अक्षत लेकर मंगल कामना के साथ लोग अपने अपने घर जाते हैं। भगत को खीर का भोजन कराया जाता है। ये दुकान का दृश्य इसके लिए दिखाया गया है कि यहाँ पर काफी भीड़ मेला को देखने के लिए, इस पूजा को देखने के लिए लोगों की जुटी हुई है और यहाँ पर लोग नाश्ता करने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें यहाँ पर व्यक्तिगत पूजा के साथ साथ साल में एक बार सामूहिक पूजा भी उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। आपको बात अगर यहाँ बता दें कि पंचायत चुनाव का समय चल रहा है, तो ऐसे पूजा में जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, उनको दिखाते हैं कि हम मौजूद हैं। बात कर रहे हैं पूर्व मुखिया सच्चिदानंद झा यहाँ मौजूद दिखे, खासकर जो अभी वर्तमान मुखिया है उनके जो पुत्र हैं यहाँ पर वो भी मौजूद रहे हैं, जो शिवानंद चौधरी हैं। उसके बाद जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, उमेश कामत वो भी देख सकते हैं। ये गुरुकुंड बाबा जो सच्चिदानंद झा हैं वो भी यहाँ पर पूजा के लिए पहुँचे हैं मझोलिया से। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो भगत का नाम जो है वो अरुण पासवान है। सहायक मंडली कैलाश पासवान, नरेश पासवान, हरि पासवान, आयोजनकर्ता रामबलि पासवान, विष्णुदेव पासवान, लालटून पासवान, ग्रामवासी चंदेश्वर पासवान, राम बिहारी पासवान, भोलाया पासवान, अशोक पासवान, कारी पासवान, लाल बहादुर पासवान, राम सखा पासवान, संजय पासवान, लक्ष्मण पासवान, वीरेंद्र पासवान, राम नरेश पासवान, अजीत पासवान, राजीव कुमार पासवान, छोटू पासवान, संतोष पासवान, गुरुवचन पासवान। कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर जो काम कर रहे थे सुरवीर पासवान, कृष्ण बबलू, धर्मेंद्र पासवान, गुरुवचन, राम कुमार, जितेंद्र, मनीष, इन सभी लोगों ने इस पूजा का को सफल बनाया है। विशेष कवरेज दिखाएंगे, इंटरव्यू सुनाएंगे, सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर करिएगा। पहली बार यहाँ पर बता दें ये बड़ी खबर और बड़ी कवरेज के रूप में भारत उदय समाचार शिवय सिंहपुर गाँव पहुँचा है, जहाँ पर ये पूजा हो रहा है उसका दृश्य हम दिखा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनका पूजा पूरे मिथिला में हो रहा है और इस वक्त गांव-गांव में ये सलेश पूजा मनाया जा रहा है। महाराज सलेश का जन्म मधुबनी जिले से सटे नेपाल के महिषोता में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमदेव और मां का नाम शुभ गौरी थी। विराट नगर के राजा हलेश्वर की बेटी सत्यवती से उनका विवाह हुआ था। सलेश पूर्व में जयवर्धन के नाम से जाने जाते थे, बचपन में वो जयवर्धन के नाम से ही जाने जाते थे। बता दें बाद में सर्वसम्मति से राज तिलक के समय इनका नाम श्री जयवर्धन से सलेश पर गया, कालांतर में सलेश सलेश हो गए। भंडारी तरगेद नाट के राजा थे जिन्हें चार बेटियां थी। बेटियों ने मालिन संप्रदाय को स्वीकार कर लिया था और आजीवन अविवाहित रहने का व्रत में ले रखा था। कुसुमा जो सबसे छोटी थी शिव उपासक एवं सिद्ध योगिनी होने के साथ साथ राष्ट्रहितकारिणी भी थी। एक पथ के पथिक होने के कारण सलेश को चारों बहनों से प्रेम हो गया। सलेश दो भाई थे और उनकी एक बहन वनस्पति थी। वे चीन और भूटान के आक्रमण से मिथिला की रक्षा करते। इनके प्रतिद्वंदी वीर चौहरमल थे जो बहुत बड़े महर्षि योद्धा थे। देना चाहते हैं आज के पूजा के लिए समाज को।
समाज के आशीर्वाद या इरादा सलेश बाबा चूहा सारी समाज के विजय रहेगा और आनंद रहेगा, गांव घर अच्छा रहेगा और फिर पूजा करेंगे समाज। कहाँ से आए थे आप लोग? कहाँ से आए थे आप लोग? कहाँ से आए हैं? फिर आएंगे हम। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग किला घाट मुसेपुर से। अच्छा, इस पूजा में क्या क्या होता है? इस पूजा में होता है राजा सलेश, मोती राम, बाबा चूहर माल का पूजा होता है और परम्परा से पूजा हो आ रहा है और होगा। महत्वपूर्ण चीज क्या है इस पूजा में? खासकर पूजा में पूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्या है सामान जो है पूजा का, महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? जितना पान प्रसादी है, फूल पाना है, सब चीज लेकर के भरत उसको जय जय बनाता है और समाज को भी जय जय बनाता है। इस गांव के लोगों को क्या आशीर्वाद देंगे? सुरक्षा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, विजय रहेगा। क्या नाम है आपका? सारी समाज को लेकिन विजय रहेगा। नाम 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 हमारा हुआ कैलाश पासवान भगत। कहे रोकता है जिला घाट थाना करते हैं। ठीक, अगर धन्यवाद देंगे तो किसको किसको देंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपने पूर्वज को आराध्य देव मानते हैं और हमारे आराध्य देव हैं, उनके पराक्रम से ही और उनके ही नाम जस से आज हम लोगों का पासवान समाज दुसाध जाति का जो है सो बहुत बड़ा पराक्रम है, जिसके कारण हम लोग देवता तुल्य उनको मानते हैं और उनकी गह्वर को पूजा करते हैं और प्रत्येक साल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर, दूर दूर से लोग आए हैं। जी जी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो बाबा राजू जी, हम लोग बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान। तैयारी कर रहे थे हम लोग, जब सावन स्टार्ट हो जाती है तो इसकी तैयारी हम लोग जो है पूरे टोलावासी जो है पूरे धूमधाम से हम लोग मनाने का तैयारी करते हैं और जश्न का माहौल है गांव में टोला में। और हम लोग प्रतिवर्ष हमारे पूर्वज जो है प्रतिवर्ष जो है ये मनाते आए हैं, पिछले 100 साल से भी पहले से मना रहे हैं। इस पूजा का नाम क्या है? इसका राजा सलेश पूजा हम लोग का जो सामाजिक पूजा है। यहाँ पर हर साल होता है कि कभी कभी होता है? नहीं, यहाँ प्रत्येक वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष। टोला कौन सा है ये? ये पासवान टोला है। गांव? गांव शिवाय सिंहपुर पासवान टोला। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राज। आई है समाधान।